महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर सामना के संपादक बन गए हैं। जी हां, 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने संपादक का पद संभाला है। आपको बता दूं कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उस वक्त पहली बार किसी महिला को सामना का संपादक बनाया था और वो खुद उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे थी। बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे ने सामना का प्रभार संभाला था और ये बदलाव अब अखबार में भी दिखने लगा है। आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सामना में बतौर संपादक के रूप में उद्धव ठाकरे का नाम लिखकर सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत सामना के कार्यकारी संपादक हैं और अब मुख्य संपादक के तौर पर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कार्यभार संभाला है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।